जिन सिलसिला दायरा जानना चौड़ा है और जितनी ऊपर जा रही है उतनी पतली होती चली जा रही है। तो इस मंच में वो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से घिरवा के मीनारा अर्शद का बनवा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। और इस दायरे में सुनने वाले हो उनकी भी निजात। बेशक सुभान अल्लाह। ना सुनने वाले अगर इस दायरे में हो उनकी भी निजात। बेशक सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस है, अपनी तरफ से नहीं खड़ा कर रहा। जब वो फरिश्ते पारे होकर दुनिया से जाते हैं बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं, अल्लाह पूछता है मलाइका कहां से आ रहे हो, कहां गए थे? फरमाते हैं बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लाह पूछता है वो लोग क्या ख्वाहिशात लिए बैठे, क्या तमन्नाएं लिए बैठे, क्या दर्द लिए बैठे, क्या नसीहतें लिए बैठे? तो वो फरिश्ते अर्ज करते मौला बाकी तो सब एक निस्बत पर बैठे थे कि तेरे और तेरे महबूब का जिक्र, तेरी ये जिक्र। लेकिन उसमें चंद लोग ऐसे थे जो किसी वजह से उस मजमे को बिगाड़ने के लिए उसमें गलत मलत, उस मजमे को बिगाड़ने के लिए उसमें गलत मलत आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। बात तेरी हो रही है, गुफ्तगू को दुनियादारी की, बात तेरे महबूब की हो रही है, उसमें तवज्जो नहीं, बात वो अपनी कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हमने उन्हें कहा मौला, कहा रबे करीम उनके बख्शने की वजह। तो फरमाया वो तुम्हारे दायरे में थे, तुम्हारे घेराव में थे, या तुमसे बाहर थे? कहा है परवरदिगार हमारे दायरे में। कहा जो दायरे में उसकी भी निजात, जिसने घर पर बैठ के सुना और एक बार मेरे नबी पे दुरूद भेजा उसकी भी निजात। बेशक सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो अमल है, बाकी किसी अमल की गारंटी नहीं। और अगर गारंटी होती भी तो मैंने नमाज पढ़ी थी, तो मेरी नमाज की गारंटी सिर्फ मेरे लिए होती, ना कि आप। उसी बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है ग्रामे में, और बिल्कुल हाजी नदरला महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ऐसा कोई अमल है जिसकी गारंटी हो? कहा हाँ हाँ। तो उसने कहा हुजूर क्या नमाज है? कहा नहीं। कहा रोजा है? कहा नहीं। कहा ज़कात है? कहा नहीं। कहा सदका है? कहा नहीं। कहा हज है? कहा नहीं। कहा तिलावत है कुरान है? कहा नहीं। तो पूछा हुजूर क्या है? फरमाया तुम तवज्जो के साथ दुरूद करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजो तो कबूल। तवज्जो के साथ भेजो तो कबूल, और गैर तवज्जो के साथ भेजो तो कबूल। बेशक सुभान अल्लाह। तो कहा अगर गैर तवज्जो के साथ जाता है और एक तवज्जो के साथ जाता है, सरकारी दरों में फर्क क्या है? इन दोनों के पढ़ने वालों के औसत में फर्क क्या है? भाई एक फर्स्ट पोजीशन होती है, एक सेकंड पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन वाले जो है वो तवज्जो वाले हैं, और गैर और बिना परवाही के दुरूद पढ़ देते हैं इनको सेकंड, ये सेकंड पोजीशन वाले। तो कहा कि जो मेरे महबूब करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कल्बी तवज्जो के साथ दुरूद भेजता है, मेरे नबी उसको सुनते हैं और उसके सलाम का जवाब देते हैं। और जो गैर तवज्जो से पढ़ता है लापरवाही में पढ़ता हुआ निकल जाता है, मेरे फरिश्ते जाते हैं उसके दुरूद को लेकर आते हैं, आगे को सर से छोड़ देते हैं। जब वो आगे को सर से दुरूद अंदर जाता है तो वो दुरूद का एक परिंदा बन जाता है, जब वो परिंदा बाहर निकलता है मेरी कुदरत से
تیری ہے اتنی ہی دور ہے میرا نبی پاک۔